हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टोरी चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की पत्नियाँ और उनके पुत्रों के बारे में। आपने महाभारत के केंद्र रूपी भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत कुछ सुना ही होगा और उनके पराक्रम का तो कोई जवाब ही नहीं था और उनके जन्म से देह छोड़ने तक की सभी जानकारी आपके पास जरूर होगी। पर क्या आपको पता है कि उनकी कितनी पत्नियां थी और हर एक पत्नियों से उनकी कितनी संतानें थी? तो इस बात की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना न भूले। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य और 16,100 अन्य पत्नियां थी, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार उनकी 16,000 पत्नियां भी थी। भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों को अष्टभार्या के रूप में जाना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पत्नियां थी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंद्री, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा। एकेक सस्तः कृष्णस्य पुत्रान दशा दशावला अजीजनन्न वमानी पतु सर्वत्म संपदा। इस श्लोक के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी को 10 पुत्रों को जन्म देना होगा। श्री कृष्ण की रुक्मणी के साथ हुए विवाह के बाद उनका प्रथम पुत्र का नाम था प्रत्युघ्न और उनके अन्य पुत्र के नाम थे चारुणदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जाम्बवती के पुत्र सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और केतु। सत्यभामा के पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। कालिंद्री के पुत्र थे श्रुत, कपि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, रुद, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिन और क्षुधि। लक्ष्मणा के पुत्र थे रघोस, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वंग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। सत्या के पुत्र थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों के उपरांत उनकी 16,000 अन्य रानियां भी थी जिनको उन्होंने नरकासुर राक्षस से आज़ाद करवाया था। उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि कोई भी उनको नहीं अपनाएगा, अतः आप ही हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, जिससे श्री कृष्ण की अन्य 16,000 रानियां भी बनी हुई थी जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।